नमस्कार सर्वप्रथम सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं जनवरी का महीना 2023 उदय हो रहा है कुदरत ठंड का प्रकोप पूरा है सर्दी अपने पीक पे है हर साल यही स्थिति होती है नववर्ष प्रवेश पे भारतवर्ष में सर्दियों का मौसम पहाड़ों पे बर्फबारी और ठंड का प्रकोप यही कुछ दिन पहले तक सोचते थे कि भाई यार इस बार ठंड नहीं पड़ रही लगता है कि इस बार मौसम गड़बड़ा गया है बस सारे पूर्वानुमान इवन की मौसम विभाग के भी पूर्वानुमान गलत साबित होते हैं और कुदरत अपनी चाल चलती है और देखिए सब ठंड में ठुठर रहे हैं और कह रहे भाई त्राहीमाम बहुत ठंड हो गई भाई अब बस करो तो ये है कुदरत जनवरी महीना 2023 आरंभ हो रहा है एक बहुत बड़ी ग्रहों की खगोलीय घटना घटने जा रही है 17 जनवरी को शनि महाराज ढाई साल से मकर राशि में बैठे हुए मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे मकर भी शनि की अपनी ही राशि है और कुंभ भी शनि की अपनी ही राशि है और काल परश की कुंडली में देखिए कि दसवां भाव के स्वामी शनि और ग्यारहवें भाव के भी स्वामी शनि दसवां भाव यानी कर्म और ग्यारहवा भाव मनी लाभ तो जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे यही कर्म फलदाता शनि महाराज का आधिपत्य है और अब कुंभ में प्रवेश करके शनि कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं लाभ स्थिति में पहुंचा रहे हैं तो जन मानस को इसका कितना लाभ होगा ये अब ढाई वर्षों में सामने प्रकट होगा तो इस वर्ष के अगर हम हम में देखें तो माघ मास में 17 जनवरी से लेके जो कि 5 फरवरी तक रहेगा इस वर्ष पांच शनिवार और पांच ही रविवार पड़ रहे हैं और ऊपर से शनि महाराज भी मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ के शनि की तीसरी दृष्टि तो होगी मेष राशि पे सातवीं दृष्टि होगी सिंह राशि पे और दसवीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान है तो इसलिए शनि की दृष्टि से कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे कि महामारी बढ़ेगी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों से संबंधित महामारी जैसे कि पहले कभी कोरोना आया था ऐसे ही कुछ ना कुछ महामारी के रूप में प्रकट होगा किंतु ज्यादा चिंतनीय बात नहीं है क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति पहले से ही विराजमान है कहने का मतलब कि कुंभ के शनि और मेष के राहु के बीच में मीन राशि पड़ती है तो वहां पे बृहस्पति बैठे हुए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं इसके अलावा महंगाई बढ़ना लाजमी है उपद्रव की घटनाएं बढ़ेंगी सोशल मीडिया भी देखिए नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है खूब तना रहेगी सरहदों पर भी चिंता रहेगी टेंशन की स्थितियां बनती रहेगी आतंकवादी घटनाएं भी घटित होंगी जैसा कि हमारे पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान जैसे तो इनसे कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि अब आगे देखेंगे 15 जनवरी से 11 मार्च तक गुरु मीन राशि में ही रहेंगे फिर शुक्र मकर कुंभ पार करते हुए मीन राशि में आ जाएंगे तो ये स्थितियां और ऊपर से 17 जनवरी को शनि का कुंभ में प्रवेश पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं बता रहा है इनके साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा बाकी यही परमात्मा से दुआ है कि सभी के लिए वर्ष और जनवरी महीना मंगलकारी हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं सूर्य धनुराशि में और धनु में ही बुद्ध चल रहे हैं कहने का मतलब धनु धनुराशि में बुद्ध योग बना हुआ है सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे मकर संक्रांति 14 जनवरी मास आरंभ 1 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में उसके बाद चंद्रमा अपने सवा दो ढाई घंटे दिन की चाल पे चलते हुए शेष राशियों का सफर अपना जारी रखेंगे मंगल वक्री अवस्था में वृक्ष राशि में हैं और तेरह जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे बुद्ध वक्री धनु राशि में और अठारह जनवरी को मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति मीन राशि में ही रहेंगे शुक्र मकर राशि का सफर खत्म करके बाईस जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि अपने ढाई साल का मकर राशि का स्टे पूरा करके कुंभ राशि में सत्रह जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में यह तो है ग्रहों की स्थिति अब कुछ जनवरी महीने की खास तारीखों पे गौर किया जाए पर्व त्योहार से संबंधित जनवरी का महीने की पहली तारीख ही इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष का शुभारंभ है पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला पर्व एक जनवरी फिर छह जनवरी को पूर्णिमा पड़ेगी नौ जनवरी को दसवीं पादशाही कलगीद महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पड़ेगी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती जिसे कि हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं 13 जनवरी को लोहड़ी 14 जनवरी को मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में जिसे पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है पंद्रह जनवरी को इंडियन आर्मी डे इक्कीस को फिर अमावस्या है बाईस जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे तेईस जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती छब्बीस जनवरी को देश का चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को बसंत पंचमी और यहाँ कह लो सरस्वती पूजा ये तीन इंपॉर्टेंट दिन तीनों एक ही छब्बीस तारीख को पड़ रहे हैं और तीस जनवरी को शहीदी दिवस और इसी के साथ गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बारह राशियों की राशिफल क्या है किस राशि के भाग्य में उस पर चर्चा शुरू करते हैं वृषभ राशि वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र शुक्र बहुत उत्तम स्थिति में मकर राशि में विराजमान है और फिर वहां से निकल के बाईस तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो राशि के स्वामी शुक्र अति उत्तम फल देने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही योग कारक शनि है शनि से निकलकर कर्म स्थान में आ जाएंगे तो शनि वृषभ राशि के लिए एक योग कारक ग्रह है तो शनि भी काफी उत्तम स्थिति में है शुरुआत मास आरंभ में जो चिंता का विषय है वो बारहवें भाव में राहु चंद्र की युति और अष्टम भाव में बुध का होना राहु चंद्र की युति खूब खर्चे करवा रही है चिंता का विषय बना हुआ है खर्चे और कुछ नशे वगैरह की लत से दूर रहें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा समय अच्छा नहीं है और किसी भी लड़ाई झगड़े और किसी तरीके वाद विवाद को अवॉइड करें परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है जो कि ऐसी स्थिति में आपको संकट में डाल सकता है बृहस्पति जरूर आज स्थान में बैठे हुए उत्तम स्थिति में है और अच्छे फलों की आपको प्राप्ति हो रही है जीवन साथी का भरपूर साथ मिल रहा है और परीक्षार्थियों के लिए भी समय उत्तम है कोई बृहस्पति शिक्षा के कारक होके अपने अमृत दृष्टि से पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए भी समय अच्छा है थोड़ा नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष करते हुए देख रहा हूं मैं वैसे ओवरऑल समय ठीक निकलेगा बीस और इक्कीस को चंद्र अष्टम की स्थिति है अब इक्कीस को अमावस भी पड़ेगी चंद्रमा अस्त हो जाएगा तो चंद्रमा धनु राशि में अस्त स्थिति में पहुंच रहे हैं शिव जी की उपासना करें सोमवार के दिन शिवला जाएं और शिवलिंग का अभिषेक करें तीन अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें अवश्य लाभ होगा